हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के लाभ के बारे में। क्या कि सूर्य नमस्कार करने से हमें क्या लाभ होता है और इतना फेमस क्यों है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपको सच में इसके अद्भुत फायदे और इसके बारे में संपूर्ण जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ है। यह अकेला अभ्यास ही हमारे संपूर्ण शरीर का व्यायाम करा देता है। इसके दैनिक अभ्यास से हमारा शरीर निरोगी, स्वस्थ और चेहरा ओजपूर्ण हो जाता है। महिलाएं हो या पुरुष, बच्चे हो या वृद्ध, सूर्य नमस्कार सभी के लिए बहुत लाभदायक होता है। सूर्य नमस्कार के 12 आसन कौन कौन से हैं? पहला प्रणाम आसन, दूसरा हस्त उत्तान आसन, तीसरा हस्तपाद आसन, चौथा अश्व संचालन आसन, पांचवा दंडासन, छठा अष्टांग नमस्कार, सातवा भुजंग आसन, आठवा पर्वतासन, नौवा अश्व संचालन आसन, दसवा हस्तपाद आसन, ग्यारहवा हस्त उत्थान आसन, बारहवा ताड़ासन। अब हमने ये तो जान लिया कि सूर्य नमस्कार के 12 आसन कौन कौन से होते हैं। अब हम इसके फायदों के बारे में जानते हैं। सूर्य नमस्कार से हृदय, यकृत, आंत, पेट, छाती, गला, पैर सभी के सभी अंगों के लिए बहुत से लाभ है। सूर्य नमस्कार सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों को बहुत लाभान्वित करता है। यही कारण है कि सभी योग विशेषज्ञ इसके अभ्यास पर विशेष बल देते हैं। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर, मन और आत्मा सबल होते हैं। पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है, ये तो आप जानते ही होंगे। सूर्य नमस्कार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कई लाभ हैं। पहला, सूर्य नमस्कार करने से आप बनते हैं स्वस्थ और हष्टपुष्ट। सूर्य नमस्कार ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल भी प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार के 12 आसन हमारे पूरे शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखते हैं। इसका दूसरा फायदा, पाचन तंत्र को बेहतर करता है। सूर्य नमस्कार के आसन हमारे पेट के आंतरिक भाग को मजबूत बनाए रखने में सहायता करते हैं। यदि आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है और आपको पेट से संबंधित बीमारी आपको तंग नहीं करती। इसका तीसरा फायदा, सूर्य नमस्कार करने से पेट की चर्बी घटती है। जो लोग दिन रात गूगल पर केवल अपने पेट की चर्बी कम करने की तरकीबें ढूंढते रहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। आज ही सूर्य नमस्कार को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें। आप पाएंगे कि कुछ दिन में ही आप अपने सपनों के राजकुमार या राजकुमारी से भी फिट दिखने लगेंगे। इसका चौथा फायदा, इस शरीर को डिटॉक्स करता है। हमारा शरीर आए दिन के तनाव और जीवन शैली के बदलाव के कारण टॉक्सिन्स इकट्ठा करता रहता है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमारे शरीर के अनचाहे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकलने में भी हमारी मदद करता है। इसका पांचवा फायदा, मन की हर चिंता और तनाव को दूर रखता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार न केवल हमें शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखता है बल्कि मानसिक रूप से भी चिंता मुक्त और तनाव मुक्त बनाए रखता है। सूर्य नमस्कार के 12 आसन हमें दिन भर तरोताज़ा अनुभव करने में हमारी मदद करते हैं। इसका छठा फायदा, ये शरीर में लचीलापन लाता है। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक व्यायाम है। अलग अलग आसन शरीर के अलग अलग अंगों पर अपना अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जब हम एक आसन से दूसरे आसन में जाते हैं तो व्यायाम की निरंतरता बनी रहती है और हमारे शरीर के सभी अंगों में लचीलापन और दृढ़ता आती है। अगर आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में अकड़न नहीं रहती और आप अपने आप को अधिक लचीला अनुभव करते हैं। इसका सातवां फायदा, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। सूर्य नमस्कार से रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से लेकर ऊपरी भाग तक पूरी रीढ़ की हड्डी का बढ़िया व्यायाम होता है।
इससे आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीलापन और मजबूती दोनों मिलते हैं। क्यों ना स्टार्ट कर दिया जाए सूर्य नमस्कार। इसके बढ़ते इसके अगले फायदे की तरफ, इसका 10वां फायदा है, ये बच्चों में एकाग्रता बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार मन शांत करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। आजकल बच्चे प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं, इसलिए उन्हें नियत प्रति सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी सहन शक्ति बढ़ती है और परीक्षा के दिनों की चिंता और असहजता भी कम होती है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शरीर में शक्ति और रोज की वृद्धि होती है। यह मांसपेशियों का सबसे अच्छा व्यायाम है और हमारे भविष्य के खिलाड़ियों के अंगों के लचीलेपन को बढ़ाता है। और आपको एक खास बात बता दें, 5 वर्ष तक के बच्चे नियमित रूप से सूर्य नमस्कार शुरू कर सकते हैं। अब हमने सूर्य नमस्कार के फायदों के बारे में भी जान लिया है, तो अब हम जानते हैं एक खास चीज़ कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। सूर्य नमस्कार करने की विधि जानना पर्याप्त नहीं है, इस प्राचीन विधि के पीछे का विज्ञान समझना भी आवश्यक है। इस पवित्र व शक्तिशाली योगिक विधि की अच्छी समझ इस विधि के प्रति उचित सोच व धारणा प्रदान करती है। ये सूर्य नमस्कार की सलाहें आपके अभ्यास को बेहतर बनाती है और सुखकर परिणाम देती है। भारत के प्राचीन ऋषियों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि शरीर के विभिन्न अंगों विभिन्न देवताओं के द्वारा संचालित होते हैं। मणिपुर चक्र जो कि नाभि के पीछे स्थित जो मानव शरीर का केंद्र भी है, सूर्य से संबंधित है। सूर्य नमस्कार के लगातार अभ्यास से मणिपुर चक्र विकसित होता है, जिससे व्यक्ति की रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान बढ़ते हैं। यही कारण था कि प्राचीन ऋषियों ने सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए इतना बल दिया। तो हमने अब इसके विज्ञान को भी जान लिया कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो अब हम जानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि सूर्य नमस्कार कब करें। सूर्य नमस्कार सुबह के समय खुले में पूर्व दिशा में उगते सूरज की ओर करने की सलाह दी जाती है। उगते सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, हड्डियाँ मजबूत होती है, त्वचा स्वस्थ रहती है और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य नमस्कार के आसन हल्के व्यायाम और योगासनों के बीच की कड़ी की तरह है और खाली पेट कभी भी किए जा सकते हैं। हालांकि सूर्य नमस्कार के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि मन व शरीर को ऊर्जान्वित कर और तरोताज़ा कर देता है और दिन भर के कामों के लिए तैयार कर देता है। यदि दोपहर में किया जाता है तो शरीर को तत्काल ऊर्जा से भर देता है। वही शाम को करने पर तनाव को कम करने में भी मदद करता है। यदि सूर्य नमस्कार तेज गति के साथ किया जाए तो बहुत अच्छा व्यायाम साबित हो सकता है। तो वजन और मोटापा घटाने में भी सूर्य नमस्कार बहुत लाभदायक है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको ये नॉलेजफुल वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।